80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। 34 वर्षीय डॉक्टर ली बेंगलियांग चीन में कोरोना वायरस के बारे में लोगों को बताने वाले और सरकार के रवैये के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले पहले व्यक्ति थे। 31 दिसंबर को उन्होंने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वी चैट पर वायरस के बारे में लोगों को चेतावनी दी थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें एक पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। उन पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया था और उन्हें अपना मुंह बंद करने के लिए भी कहा गया था। लेकिन इस सब के बावजूद डॉक्टर ली ने अपना काम जारी रखा। वह मरीजों का इलाज करते रहे और लोगों को भी इस बीमारी के बारे में जागरूक करते रहे। डॉक्टर ली ने संक्रमण की गंभीरता को समझा। उन्हें लगा कि सार्स जैसा कोई वायरस जो इंसानों से इंसानों में फैला था दोबारा वापस आ गया है। डॉक्टर ली ने 7 ऐसे मामले देखे थे जिनमें सार्स जैसे किसी वायरस के संक्रमण के लक्षण थे। 31 जनवरी को डॉक्टर ली ने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बताया था कि 10 जनवरी को उन्हें खांसी शुरू हुई थी। नोवल कोरोना वायरस का पता लगाने वाली 54 साल की डॉक्टर जहांग जियांग दुनिया की पहली डॉक्टर हैं। 26 दिसंबर को हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी और क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट की निदेशक डॉक्टर जहांग जियांग ने 4 मरीजों में कुछ लक्षण एक जैसे पाए। उन्होंने देखा कि मरीजों को निमोनिया है और उनके फेफड़ों में एक जैसा संक्रमण दिख रहा है। इन मरीजों में 3 तो एक ही परिवार से थे। अगले दिन उनके पास 3 और मरीज उन्हीं लक्षणों के साथ इलाज कराने के लिए आए। उन्हें यह सब अजीब लगा और इसके बारे में उन्होंने खोजबीन शुरू की। उन्होंने तुरंत अस्पताल के दूसरे विभागों को सूचित किया और बताया कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है। 27 दिसंबर को डॉक्टर जहांग ने चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों को बता दिया था कि नई बीमारी कोरोना वायरस के चलते फैल रही है। डॉक्टर जहांग जियांग की कहानी सामने आने के बाद वह चीनी सोशल मीडिया में हीरो बन गई। वह सार्स वायरस से निपटने वाली टीम में भी शामिल थी। उन्होंने बताया कि उस समय का प्रशिक्षण उन्हें इस वक्त काम आया।